नेचुरल नंबर भी पढ़ चुके हैं हम, नेचुरल नंबर भी हम पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट और लर्न इट व्हाट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस क्लासेस में. यस और नो? यस. प्रीवियस क्लासेस में, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड स्टडीड अबाउट द होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर ऑल्सो. राइट, हम फ्रैक्शन नंबर भी पढ़ चुके हैं, दैट इज ए अपॉन बी, लाइक 1/2. नेचुरल नंबर दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. एंड द होल नंबर स्टार्ट विद द 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दीज आर द होल नंबर. राइट, अरब, अर्णव, आशीष. राइट, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं. और होल नंबर क्या होते हैं? दीज आर द स्टार्ट विद द 0. हम रिकॉल कर रहे हैं कुछ चीजों को. पढ़ने तो हम इंटीजर्स आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटीजर्स. लेकिन इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं नेचुरल और लाइक दीज नंबर्स. इस नंबर की तरह इंटीजर नंबर्स भी होते हैं. राइट, इन नंबर्स की तरह इंटीजर नंबर्स भी होते हैं, लाइक फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर. सो इंटीजर नंबर्स इज ऑल्सो देयर. राइट, होल नंबर्स के रूल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन. होल नंबर में जो एडिशंस होते हैं उनके जो रूल्स होते हैं हम पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, है ना. वी शैल एक्सटेंड अवर नंबर सिस्टम फॉर्म. अब उनको और अगर एक्सटेंड करें तो वी शैल डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑफ द इंटीजर नंबर और उसकी प्रॉपर्टी. पिछले चैप्टर में हमने होल नंबर पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनको एडिशन कैसे किया जाता है, हाउ टू एड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड. Now in this chapter, whole number ना पढ़ करके हम क्या पढ़ेंगे? These are the other kinds of the numbers. This is integer, right? जब हम number negative और positive लेते हैं तो यही number integer कहलाते हैं. Integer number क्या होते हैं? What are the integer numbers? We know that in the numbers, when a smaller whole number is subtracted from the larger one, अगर किसी छोटे number से बड़ा number minus करोगे, तो we get the whole number, but it is in the form of minus. कभी भी क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर सकते हैं? नहीं ना, अभी तक तो हमें नहीं सीखा था. लेकिन अगर हम किसी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. आंसर किस में आएगा? नेगेटिव फॉर्म. सो दीज नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स. ये पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर ही इंटीजर्स कहलाते हैं. जब किसी नंबर के आगे नेगेटिव लग जाते ये अभी आ जाएगी आवाज. राइट, अभी आवाज आ जाएगी. नाउ अगेन कम ऑन द इंटीजर. यस मैम, नाउ माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल. तो हम जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेते हैं तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स. अगर उसके आगे प्लस लगा दो तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं. और इफ यू राइट or denoted by the -1, -2, -3, you can see the screen. Even numbers are positive and odd numbers also. Yes. Koi bhi natural number, Niharika Singh, my voice is coming to all. I know that my voice is coming to all. See the screen, everyone. It is corresponding to the natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6. They introduce a new number denoted by the -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं तो these are the natural numbers, right? अगर हम new numbers introduce करें या denote करें इसको numbers के आगे minus sign लगा दें students. -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. तो इसको बोलेंगे कैसे? -1, जैसे मैंने बोला.
right? So these numbers are called integer numbers. ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. जिस नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, और जिनके आगे कोई साइन माइनस का लगा है दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. तो व्हेनेवर आई टॉकिंग अबाउट, जब भी मैं बात करूंगी, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द इंटीजर, सो इट मींस माइनस और पॉजिटिव बोथ. सो इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. अगर किसी नंबर नेचुरल नंबर के आगे अगर आप यश अर्सलान इवन नंबर और ऑड नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल द नेचुरल नंबर यू कैन टेक ऑल द नेचुरल नंबर्स. आप सारे नेचुरल नंबर ले लो, उनके आगे पॉजिटिव साइन लगा दो, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव पुट द नेगेटिव साइन, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. आई एम शोइंग यू, इट इज ऑलरेडी इन द बुक, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. सी द स्क्रीन एवरीवन, स्क्रीन देखिए. See, 1, 2, 3, 4, 5 are the called positive integers, and minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. These are the negative integers. So integers are two types, positive and negative. इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, that is only a natural number. Natural number अगर positive में है तो positive integer हो गया. इन्हीं natural number क्या आ गया, अगर आप minus sign लगा दो तो वो क्या हो जाते हैं, negative integers हो जाते हैं. So in this chapter, we will study about the integers. It means positive and negative integers. Positive kya hua, jinke aage positive hai, ya koi sign nahi laga, to bhi hum positive samajhte hain. Aur kisi numbers, natural number ke aage, agar aap minus sign laga dete ho, to these numbers are called negative integers. Simple, kuch khas nahi hota hai, isme kuch alag se nahi hai. Bas these numbers are called integers kehlate hain. Positive and negative. Is it okay? Right. See the screen, everyone. क्योंकि कई बार हम लोग sometimes we have to use the smaller number minus bigger number. तो जब हम छोटे number से बड़ा number minus करते हैं तो जो answer आता है वो negative में आते हैं. Right? Okay. तो कुछ नहीं है. This is not a tough. It is very simple. अगर किसी नेचुरल नंबर के आगे जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, अगर नेचुरल नंबर के आगे माइनस लगा दो तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर. लाइक व्हाट, डिनोटेड बाय द माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड माइनस 4 एंड सो ऑन, राइट? सी द एग्जांपल. अगर हम किसी हाइट पे चढ़ते हैं या किसी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, who is saying screen? See this. अब हम इसको नंबर लाइन में शो करने जाएंगे. नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं किसी भी इंटीजर नंबर को? सी क्या होता है, नंबर लाइन कोई होती नहीं है. नंबर लाइन यू हैव ऑलरेडी आई थिंक इन द फिफ्थ क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, पढ़ चुके हो. ओके, now screen is coming, right? Now screen is coming, screen आ रही है. Yes, screen is visible to all. Now screen is visible. Yes, so I'm repeating this thing. Yes, yes, screen is visible to all. Yes, now I'm repeating this thing कि what are the integer numbers. हम नेचुरल नंबर को ही जब पॉजिटिव साइन के साथ शो कर देते हैं और नेगेटिव साइन के साथ शो कर देते हैं, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. क्या कलेक्शन होगा एक साथ, अगर हम प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 एंड माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. वी हैव टू शो दीज नंबर्स इन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन क्या होती है, द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द नंबर लाइन, राइट? यस, तो नंबर लाइन एक इमेजनरी लाइन होती है. यू कैन ड्रॉ विद द स्केल, एक लाइन खींचिए स्केल के साथ. तो उनको अब हम इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन.
राइट, हम होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. एट दी नंबर लाइन आपने होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट. एंड इन द फिफ्थ कॉल, इन द फिफ्थ क्लास ऑल्सो वी हैव लर्न्ड इट. ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लाइन खींचते हैं. नंबर लाइन क्या होती है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, कोई नंबर लाइन होती नहीं है, बट हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा करते हैं. क्या करते हैं, ड्रॉ द लाइन विद द स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, और सारे इंटीजर्स को हम लोग उसपे शो करते हैं. कैसे, देखिए इंटीजर क्या होते हैं, डेफिनेशन क्लियर. ये देखिए हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है. हम अभी सिर्फ नंबर लाइन बता रही हूँ, मैं अभी इंटीजर्स का नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ नंबर लाइन, होल नंबर्स की नंबर लाइन बता रही हूँ, राइट. बिकॉज आई डोंट नो यू नो दैट और नॉट, सो आई एम टेलिंग यू द नंबर लाइन फॉर द होल नंबर. फिर इंटीजर्स के लिए भी सिमिलर वे ही यूज करेंगे, ठीक. सबसे पहले आप एक ड्रॉ करिए लाइन, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड उसको मार्क कर दीजिए. स्टार्ट विद द जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से स्टार्ट कीजिए और इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर दीजिए, राइट. वन यूनिट पर, एक एक यूनिट पर, यानी कि एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने मार्किंग कर दी, राइट. तो उस पर मार्किंग कर दी, उस लाइन पर इक्वल मार्किंग करने के बाद, आफ्टर मार्किंग द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने के बाद वी हैव टू राइट द नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं हमको. तो स्टार्ट विद द जीरो, देन उसके बाद जो मार्किंग की उसे वन लिख दीजिए, देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन. बट रिमेंबर दिस पॉइंट, द यूनिट शुड बी ऑलवेज इक्वल, द मार्किंग शुड बी इक्वल बिटवीन द टू नंबर्स. दो नंबर्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए, एक यूनिट का होना चाहिए. अब उसको यूनिट बोलते हैं, राइट. वन यूनिट, टू यूनिट. सपोज मैंने आपको बोला सी द स्क्रीन, जीरो और वन के बीच में कितना डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस. जीरो और वन मार्किंग ऑलरेडी कर दी है, सी द स्क्रीन आई एम शोइंग ऑल्सो. मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड इक्वल मार्किंग कर दी. द डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर शुड बी ऑलवेज इक्वल. मार्क करने के बाद वी हैव टू रिप्रेजेंट और वी हैव टू राइट द नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑन, राइट. अब अगर सी द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द नंबर्स, फर्स्ट जीरो और वन के बीच में वन यूनिट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो वन यूनिट है. वन और थ्री के बीच में अगर देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द वन एंड टू, वन एंड थ्री, वन नंबर देखिए थ्री देखिए. जब हर टू नंबर के बीच में अगर जो डिस्टेंस वन यूनिट मानते हो, तो वन और थ्री के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई, टू यूनिट. नाउ सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड सेवन, आई मार्क इट विद द टू ब्लू पेन एंड सेवन को भी ब्लू से कर दिया मार्किंग में. टू और सेवन के बीच में कितने यूनिट्स का गैप है, टू से लेकर थ्री तक वन यूनिट, थ्री से फोर टू यूनिट, फोर से फाइव, यस, फाइव से सिक्स, देन सिक्स से सेवन. तो कितने यूनिट का गैप है बिटवीन टू एंड सेवन, फाइव यूनिट्स का गैप है. सिमिलर वे फाइव और नाइन के बीच में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. बिटवीन टू टू सेवन, तो दीज आर ऑल आर द पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया है. मैं आपको नंबर लाइन बताना बता रही हूँ कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और नंबर्स को उन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट. इक्वल मार्किंग ऑलवेज शुड बी देयर, हमेशा जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल मार्किंग होनी चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर शुड बी ऑलवेज इक्वल. तो उनकी डिस्टेंस को वन यूनिट मान लेते हैं, ठीक है. Got it everyone? We imagine, हम imaginary line, that is कोई number line कभी देखी है क्या? हम mathematics पढ़ते हैं, हम number line को draw करते हैं, ठीक है Aslan? Yes, number line को draw करते हैं for representation the number. हम numbers को represent करने के लिए, for understanding के लिए, Vibhu. Yes, हम numbers को represent करने के लिए और समझने के लिए हम लोग number line draw करते हैं. ठीक है, दैट इज अ मैथमेटिक्स ब्रांच है ना, ये मैथमेटिक्स है और हमको इसमें बताया जाता है कि हाउ कैन बी अंडरस्टैंड इजीली. यस, तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इक्वल मार्किंग करके और नंबर को रिप्रेजेंट करके,
इक्वल मार्किंग पे. ओके अंबिका, यस दैट इज अमी, यस यस अंबिका, ठीक है. सो व्हाट आर द इंटीजर नंबर, जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं उसी तरह इंटीजर नंबर भी होते हैं. अगर नंबर्स के आगे, नेचुरल नंबर्स के आगे कुछ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, तो दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. साइन लिखो चाहे नहीं लिखो, इट इज डजंट मैटर. लेकिन अगर आप माइनस साइन नंबर्स के आगे लगा देते हो, अगर माइनस साइन शो कर देते हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? यस, नेगेटिव इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. वेरी गुड, क्वेश्चन इज इजी वन. तो ठीक इसी तरह आप नेगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन में कहाँ शो करेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स को कहाँ शो करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को ऑलवेज राइट हैंड साइड शो करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को जीरो के लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं. अभी तो मैंने जब होल नंबर बताया था तो स्टार्ट विद द जीरो. जीरो के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन और ड्रॉ करोगे, इफ यू एक्सटेंड द लाइन राइट, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन को और ड्रॉ करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स का पार्ट हो जाएगा. ऑलवेज शो द नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द जीरो. सी द स्क्रीन, ये देखिए सीरियसली इन द लास्ट पेज के लास्ट में देखिए, आपको दिख रहा होगा एक लाइन ड्रॉ की गई है. फर्स्ट यू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो लाइन, एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिए और उसका मिड पॉइंट को जीरो कर दीजिए. ठीक है, मिड पॉइंट को क्या कर दिया आपने? जीरो, जीरो से. ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया एंड जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन पॉजिटिव लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इट डजंट मैटर. दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. पुट द पॉजिटिव साइन, डजंट मैटर. ठीक है, जीरो के, ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स. राइट, एक बड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करके ऑलवेज मार्किंग शुड बी इक्वल. डिस्टेंस बिटवीन द ऑल इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए ऑलवेज शुड बी इक्वल. लेबल कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप रिपीट इट अगेन, मार्क कर दीजिए. एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से खींचेंगे हम, ड्रॉ करेंगे, देन उसका मिड पॉइंट को हम जीरो कर देंगे, लेबल विद द जीरो. देन उसके बाद जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस वन मार्किंग करेंगे, देन माइनस टू, देन माइनस थ्री, माइनस फोर. सिमिलर इन द वे ऑफ, इफ यू जस्ट गो फ्रॉम दिस अलॉन्ग विद द नंबर लाइन, जीरो के राइट हैंड साइड पे जाने पर इक्वल मार्किंग पर हम प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव एंड सो ऑन, जितने नंबर हमको रिप्रेजेंट करने हैं वो तक कर सकते हैं. सो ऑन का मतलब नंबर्स का तो एंड होता नहीं है कभी, तो एंड सो ऑन. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो मार्क द पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ यूनिट डिस्टेंस. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो मार्क द नेगेटिव इंटीजर्स एज अ यूनिट डिस्टेंस. गॉट इट माय पॉइंट? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर मार्क द नेगेटिव इंटीजर्स. मार्क करो नेगेटिव इंटीजर्स को एज अ यूनिट डिस्टेंस पर. द मेन थिंग इज दैट शुड बी रिमेम्बर की डिस्टेंस शुड बी यूनिट होनी चाहिए. यूनिट मतलब एक जैसी होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि जीरो और माइनस वन के बीच में आप एक यूनिट का गैप रखो फिर और बहुत बड़ा गैप कर दो, माइनस वन और माइनस टू के बीच में और बड़ा गैप कर दो, फिर माइनस टू और माइनस थ्री के बीच फिर छोटा सा गैप कर दो. तो आप, यू कैन सी क्लियरली गैप शुड बी इक्वल राइट बिटवीन द टू, बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव इंटीजर्स. गॉट इट? रिमेंबर पॉइंट, कीप दिस पॉइंट. ओके अंबिका, वेरी गुड, एवरीवन गॉट इट, वेरी गुड. क्या चीज ध्यान देने वाली है कि हमें नंबर्स को यूनिट डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है या मार्क करना है. ये नहीं कि आप एक गैप इतना बड़ा कर रहे हो, एक गैप को इतना छोटा कर रहे हो, एक गैप फिर से बड़ा, एक गैप छोटा. आप, यू कैन सी क्लियरली ऑल द गैप्स आर इक्वल है, है ना? तो मार्किंग भी इक्वल ही करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. सी दैट स्क्रीन.
I'm repeated this thing. I've already repeated. Okay, very good. Now, how can we represent the integers in the number line? How can we arrange the following integer in the ascending order, descending order? Ab hum ye sab ab number line sabko samajh mein aa gayi. Ab hum iske base questions karenge. Hum addition bhi number line pe kar sakte hain, right? Hum ye bhi dikha sakte hain, ascending order, descending order bhi dikha sakte hain hum, right? ठीक है, सी द एग्जाम्पल वन, सी द स्क्रीन एवरी वन. सी द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन देखिए, एग्जाम्पल वन, सी द एग्जाम्पल वन. एग्जाम्पल वन, व्हाट इज रिटन इन द एग्जाम्पल वन? क्या लिखा है एग्जाम्पल वन में? एग्जाम्पल वन में लिखा है यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करके अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन द असेंडिंग ऑर्डर. वो फॉलोइंग इंटीजर्स क्या है? सी दिस, माइनस फाइव कॉमा माइनस सिक्स, एट, जीरो, थ्री. केवल इन्हीं नंबर्स को हमें हमें नंबर लाइन पर दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अरेंज करेंगे. Then you have to put the sign is greater than or less than. ये तो आप पढ़ी चुके हो previous classes में. तो solution देखिए. On arranging all the integers on the number line, इन सारे integers को हमें arrange करना है number line पर. So first what we have to do, we have to draw the number line. सबसे पहले हमें number line draw करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि हमें numbers को number line पे represent करना है in ascending order. Ascending order at the same size. Yes, very good. At the same distance, you can say that. At the same distance, first you have to draw the line with the help of scale and pencil, and then mark the zero in between the line. Line ke beech mein zero mark kar doge. That is a zero, right? Zero. Yes. Zero jo hota hai, wo negative integer se bada hota hai. और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, इसलिए हम जीरो को मिड में लिखते हैं. ठीक है अंबिका? यस. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें माइनस फाइव, माइनस सिक्स, एट, जीरो, थ्री को करना है, तो उसके बीच के नंबर्स भी मार्क कर सकते हैं हम. इन बिटवीन द लाइन जीरो मार्किंग किया मैंने, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस इंटीजर शो कर दिए, और जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर शो कर दिए. जीरो के राइट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. एट तक क्यों मार्किंग की हमने? क्योंकि हमें एट से ज्यादा चाहिए नहीं था. सी द क्वेश्चन, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में हमको एट भी करना है. ठीक है, तो हमने जीरो के राइट हैंड साइड पर कहाँ तक मार्किंग करी? एट तक. और हमें नेगेटिव इंटीजर्स देखिए कहाँ नेगेटिव इंटीजर्स माइनस सिक्स है, राइट? लेकिन हम जितना राइट हैंड साइड पे मार्किंग करते हैं, सेम डिस्टेंस सेम हमको लेफ्ट हैंड साइड पे मार्किंग करनी होती. अगर आपने प्लस एट तक की है, तो उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एट तक मार्किंग करेंगे. ठीक है, माइनस एट तक, पॉजिटिव एट एंड माइनस. यस, यू कैन सी द स्क्रीन. पॉजिटिव एट तक एंड लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एट तक मार्किंग करेंगे. देन आप उसको क्या करोगे, मार्किंग करने के बाद हमको माइनस फाइव, माइनस सिक्स, एट, जीरो, थ्री, तो इनको थोड़ा डार्क कर दीजिए. इनको आप अदर पेन से या पेन से या अदर कलर के पेन से आप इसको डार्क डॉटेड कर देंगे. सी दिस, आई एम ज़ूम द स्क्रीन. देखिए हमारे पास क्या था, जीरो. तो जीरो को आपने डॉट कर दिया है. जहां पर जीरो मार्किंग है वहां पर एक डार्क सा डॉट कर दिया है. यस, पॉइंट कर दिया. आप उसको लेबल कर दीजिए. लेबलिंग तो कर दिया आपने, एक पॉइंट लगा दीजिए, दैट इज जीरो मार्किंग, क्योंकि हमें जीरो को दिखाना है. देन उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? थ्री. तो आप उसके बाद थ्री को डॉट कर दीजिए. थ्री पर जहां आपने मार्किंग की है उसको डॉट कर दीजिए, थोड़ा बड़ा सा डॉट कर दीजिए. देन उसके बाद पॉजिटिव एट. सी द पॉजिटिव एट. यस, अब पॉजिटिव एट जहां मार्किंग है आपके पास नंबर लाइन, तो उसको डॉट लगा दीजिए, राइट?
उसके बाद नेगेटिव कितने हैं, नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, माइनस फाइव और माइनस सिक्स. नाउ कम ऑन द मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द जीरो. जीरो के कहाँ मूव करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास माइनस सिक्स इंटीजर है. माइनस सिक्स को हमने लेबलिंग कर दी और माइनस फाइव दो थे, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स. सी द स्क्रीन, माइनस फाइव पर डॉट लगा दिया जहां पर मार्किंग है और माइनस सिक्स पर, ठीक है. ठीक है, हमें इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, मार्किंग की इक्वल डिस्टेंस पर, पॉजिटिव एट और यहाँ पर माइनस एट तक. उसके बाद हमको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है ना. देखिए स्क्रीन पर असेंडिंग ऑर्डर सबको पुट करना आता है ना. असेंडिंग मीन्स यस, हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, राइट. तो हमने सबसे पहले जीरो लिखा, जीरो से बड़ा क्या हो, थ्री, पॉजिटिव थ्री, राइट. सो देन उसके बाद पॉजिटिव एट, सी द स्क्रीन. देन उसके बाद जीरो से छोटा क्या है, क्योंकि जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर से छोटे हैं और नेगेटिव इंटीजर जो है जीरो से छोटे हैं, तो माइनस वन इज लेस देन जीरो. ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन द जीरो, ठीक है. दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर इट. माइनस फाइव, जीरो के इस तरफ जाने पर नंबर्स और छोटे होते जाते हैं, नंबर चाहे बड़ा हो. बट इफ आई एम जस्ट आस्किंग कि माइनस वन बड़ा है या माइनस टू बड़ा है, माइनस वन और माइनस टू विच इज ग्रेटर देन माइनस वन. जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर जो नंबर होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, राइट. तो माइनस वन इज ग्रेटर देन द माइनस टू, माइनस वन और माइनस थ्री के बीच में. तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस थ्री. अच्छा, माइनस थ्री और माइनस फोर की बात करूं अगर मैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनस थ्री और माइनस वन, विच इज ग्रेटर, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फोर, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर जो नंबर्स होते हैं वो स्मॉलर होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड जाने पर नंबर ग्रेटर होते जाते हैं. वन बड़ा, वन जीरो से बड़ा है, टू वन से बड़ा है, थ्री टू से बड़ा है, देन फोर थ्री से बड़ा है. दीज नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर नंबर छोटे होते जाते हैं, ठीक. ये चीज याद रहेगी, गॉट इट एवरीवन. चलिए अभी हम कल पढ़ेंगे. एनी क्वायरी, बिकॉज द टाइम इज वेरी शॉर्ट. एनी क्वायरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट. क्या पॉइंट याद रखना है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर नंबर छोटे होते जाते हैं, एंड जीरो के राइट हैंड साइड जाने पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे बड़े होते जाते हैं. नंबर आर इंक्रीजिंग, राइट. तो वन इज ग्रेटर देन द जीरो, एंड टू को देखें तो टू इज ग्रेटर देन वन, राइट. अगर हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं, नंबर छोटे होते जाते हैं, राइट. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके. सो टाइम इज ओवर ऑलरेडी, ठीक. यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रीवियस चैप्टर. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, राइट. नाउ वी विल डिस्कस टुमारो द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द इंटीजर्स ऑल्सो एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स, ठीक, ओके. चलिए आई एम जस्ट गोइंग टू And my meeting is also, time is over. Remember all these points. Tomorrow I will ask all these points about the integers, right? Definition of the integers and all these points you have to remember, and I will ask tomorrow. Okay. Bye. Bye everyone.